बाबा जी दलेनाथ महाराज जी की जय। बाबा जी आशीर्वाद दो, एमपी साहब ने महाराज जी की जय। सीएम दीपेंद्र हुड्डा जी की जय। सीएम एक मिनट रोकिए साहब, आठ जट जब फिर बता। सीएम दीपेंद्र हुड्डा जी की जय। हो गया जी, सब कुछ हो गया। अच्छा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी बने थे जी, हम बूथ के अजेंट होया करते 1993 की बता रहे हैं। और उस टाइम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक लाख 50,000 रुपये इस कमरे में देगा था। हुड्डा साहब ने बनवाया था, करवाया आगे भी हुड्डा साहब बनवाओगे जी। और इसके बाद में ये बात बताई है, हुड्डा साहब ने वो कमरे बनवाए थे, करपुआ जी करतार देवी और अब अपाइस पूरे मंदिर को बनाया। ये पुरानी बात बताई, बिल्कुल बिल्कुल सुनने वाली बात। रोहतक को आगे लेके जाने के लिए जो मैंने काम किए थे वो भी आपको याद होंगे कि रोहतक का नक्शा बदले, जब आपने यहाँ से मुझे अवसर दिया था कि रोहतक का नक्शा बदले, रोहतक अपना आगे जाए। और पिछले इतने वर्षों से जो मेरा आचरण है वो भी आपके आगे है, जो मेरा आचरण है, मेरा व्यवहार है, वो इतने वर्षों की सारी बात आपके आगे है। मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि काम और आचरण की कसौटी पर अगर आपकी आत्मा ये गवाही दे कि मैं खरा उतरा हूँ तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देना, मैं आपसे ये आ ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बना बचाने की भी लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी इसकी सरकार ने भट्टा बिठा दिया हरियाणा। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हर घर में पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार आज हरियाणा के अंदर, आज महंगाई की मार आज सबसे ज्यादा हरियाणा में, आज गरीब आदमी की सारी स्कीम खत्म कर दी सरकार ने, 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, मकान की स्कीम खत्म कर दी, लगभग मकान आए नहीं, नहीं तो किसी गांव में आए तो एक दो मकान आए, नहीं तो 10 साल में केवल कागजों में कई आईडी, कई फैमिली आईडी, कई पोर्टल, कोई कौन सी आईडी, उनमें कागजों में उठा दिया गरीब आदमी को, ना रोजगार ना कोई स्कीम मिली, और किसान के साथ बड़ा अत्याचार हुआ वो भी आपने देखा। हमारी बेटियों को जब न्याय मांगने की बात आई तो दिल्ली की सड़कों में बेटियों को घसीटने का काम, घसीटवाने का काम हुआ, बीजेपी में घमंड बहुत आ गया। किसान जब आंदोलन 750 किसानों की जान चली गई, इससे ज़्यादा घमंड नहीं हो सकता। और अब तो घमंड इतना हो गया कि अपने आप को बीजेपी वाले बाबा साहब से भी ऊपर मानने लगे और कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान तोड़ेंगे, बीजेपी कह रही है बाबा साहब का संविधान तोड़ेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ बीजेपी में घमंड इतना। तो ये घमंड जो है, ये घमंड हमेशा किसी का रहता नहीं, सारी उम्र किसी का घमंड नहीं रहा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाबा साहब के संविधान को पेद पर तो हम आज भी नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो बीजेपी का घमंड तोड़ेंगे। हरियाणा के भविष्य को बचाने की भी लड़ाई है, ये लड़ाई रोहतक के विकास को आगे लेके जाने की भी लड़ाई है, क्योंकि जब राज अपने आएगा तभी रोहतक आगे जाएगा। और ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की भी लड़ाई है। मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूँ, छत्तीस बिरादरी से, भाई इस लड़ाई में अपना गाँव किसी से पीछे तो नहीं रहेगा? एक बार हाथ खड़ा करके बता बताओ। और अपनी सरकार बनते ही हम पहली कलम से हमारी माताएं बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है,
अपनी सरकार बनते ही पहली कलम से कुछ काम करेंगे। आज हरियाणा में माहौल बन गया, सरकार आपकी बनेगी। सरकार बनते ही सबसे पहला काम बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। उसके साथ साथ हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, घर में जो सबसे बड़ी हमारी महिला है जो घर चलाने का काम करती है, इस बीजेपी की कमर तोड़ महंगाई से बचत की बचाते हुए अपनी महिलाओं को 8,500 रुपए महीने के हम महीने का बीजेपी ने 30,00,000 पद सेंटर में खत्म कर दिए और 2,00,000 सरकारी पद स्टेट के अंदर खत्म कर दिए। बीजेपी सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम किया आज, इसीलिए बेरोजगारी का आलम देख सकते हैं। तो जो हरियाणा के अंदर 2,00,000 पद समाप्त हुए, सेंटर में हमारा गठबंधन आता है तो सेंटर में उन पदों को बहाल करेंगे और हरियाणा में अगर हमें अफसर जब हमारी सरकार बनेगी तो उन 2,00,000 पदों की पक्की भर्ती पारदर्शी तरीके से समयबद्ध और पारदर्शी पक्की भर्ती ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार का अवसर मिल सके। फौज में जो कच्ची भर्ती लेके आए हैं, ये अग्निपथ योजना 4 साल में बिना पेंशन के घर वाले वापिस आ जाते हैं, 17 साल में भर्ती, 21 में रिटायरमेंट। इससे पहले दुनिया में कहीं ये उदाहरण नहीं था कि 21 साल में किसी को रिटायर कर दो। रिटायरमेंट पे 21 साल का बालक घर वापिस आ लेता है, ये बीजेपी ने नीति बनाई है। अब क्या बताएं इसकी ऐसी नीति का, मगर भाई ये हमारा संकल्प है, ये हमारा मैनिफेस्टो में ये भी है कि ये कच्ची भर्ती जाएगी और फौज में पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। किसान को MSP की गारंटी, जिसके लिए किसान ने आंदोलन किया, किसानों के MSP की गारंटी और कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम OPS का लाभ देने का हम काम करेंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, और एक और मैनिफेस्टो है, दिल्ली, हिमाचल और पंजाब की सरकारों के तर्ज पे हरियाणा में भी 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे। ये हमारे संकल्प है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, और एक संकल्प रोहतक के लिए भी, रोहतक को आगे लेके जाने का काम करेंगे। आने वाले समय में जो हमने सपना देखा था कि अपना रोहतक दिल्ली के पूर्व में नोएडा, दक्षिण में गुड़गांव और पश्चिम में रोहतक। रोहतक जब 10 साल आपने अवसर दिया तो उस समय बहुत कोशिश करी कि नक्शा दे रोहतक का बदले दिल्ली की नदी का फायदा उठे, लेकिन आने वाले समय में, मगर जैसे ही राज गया अपना काम वहीं गया, वहीं की वहीं मेट्रो का आखिरी खंभा बहादुरगढ़ में, जहां तक हम बनवा के गए थे, 10 साल में खट्टर साहब ने एक खंभा भी आगे मंजूर नहीं कराया। तो आने वाले समय में मेट्रो रोहतक तक आए और रोहतक विकास के मामले में गुड़गांव और नोएडा के स्तर पर रोहतक में विकास हो, ताकि हमारी अगली जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को अपने क्षेत्र। तो भाई ये हमारे संकल्प है, इनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैं दोबारा गांव से पूछना चाहता हूँ भाई, पूरे गांव के छत्तीसगढ़ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं कि भाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की इस लड़ाई में, रोहतक के विकास की इस लड़ाई में, और बाबा साहब के संविधान को बचाने की इस लड़ाई में भाई अगर गांव साथ है तो आप ये बताओ कि भाई निश्चिंत होके आप अगर इलेक्शन संभालोगे तो भाई मैं निश्चिंत होके अगले गांव